जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, दिवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस मनाया जाएगा और इस बार धनतेरस 25 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को है। विशेष बात यह है कि इस बार धनतेरस शुक्रवार को पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन की गई पूजा का आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन पूजा करने से आपको कुबेर देव के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी कई गुना आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन सच्चे मन और श्रद्धा से कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करता है तो अवश्य ही मां लक्ष्मी उसके घर में आती है और देवी मां लक्ष्मी उस व्यक्ति के धन को 13 गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना गया है। इस दिन खरीदारी करने से घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। इस दिन खरीदारी करने से साल भर घर में खरीदी गई चीजें शुभ फल देती हैं, क्योंकि धनतेरस का अर्थ ही 13 गुना धन को बढ़ाना होता है। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुओं से घर में 13 गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन बाजारों में सोना चांदी से लेकर बर्तनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती उस दिन झाड़ू होती है, क्योंकि झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाते हैं तो आप साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी को अपने घर में ला रहे हैं, क्योंकि झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और मां लक्ष्मी का निवास स्वच्छता में ही होता है। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में धन दौलत के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपने जो झाड़ू खरीदी है उससे आपको इस दिन घर की सफाई नहीं करनी है और उसे घर की दक्षिण दिशा में ही रखना है। ऐसा करना बेहद ही फलदायी और शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य ही खरीदें, इससे आपको मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।